यूपी जिला बरेली में दरिंदगी का शिकार बनी 13 साल की नाबालिग ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दो दिन पहले उससे पड़ोस में रहने वाले दो नाबालिग लड़कों ने गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था। हैवानियत से आहत छात्रा ने डीजल छिड़क कर जान दे दी। छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। एसपी नॉर्थ मुकेश चंद मिश्रा ने बताया कि भोजीपुरा थाना आकर मंगलवार देर रात एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत दी। इसमें बताया कि उनकी 13 साल की बेटी कक्षा 9 की छात्रा थी। बीती 26 अगस्त को वह पत्नी के साथ ससुराल गए हुए थे। इस बीच दिन में 12 बजे उनकी बेटी को पड़ोस में रहने वाले दो नाबालिग लड़के गन्ने के खेत में ले गए, जहां एक उनकी बेटी के साथ गलत काम कर रहा था और दूसरे ने उसके हाथ पैर पकड़ रखे थे। छात्रा की चीख सुनकर उनकी बड़ी बेटी वहां पहुंची तो दोनों आरोपी छात्रा को छोड़कर फरार हो गए। मंगलवार को वो पत्नी के साथ घर वापस लौटे तो बड़ी बेटी ने उन्हें इसकी जानकारी दी। थोड़ी देर बाद छात्रा ने डीजल छिड़क लिया और वो कदम उठा लिया जिसके बारे में उसके माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं था। परिजन उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसें थम चुकी थी। सूचना पर एसपी नौ समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, घटनास्थल का जायजा लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 23:28 की मध्य रात्रि में थाना भोजीपुरा पर एक व्यक्ति ने आकर लिखित सूचना दी कि दिनांक 26/8/24 को जब वो गांव से बाहर था, दिन में लगभग 12 बजे उसकी नाबालिग पुत्री के साथ पड़ोस के ही एक नाबालिग लड़के ने अपने एक अन्य नाबालिग साथी के साथ घर के पीछे गन्ने के खेत में ले जाकर गलत काम करते हुए उसकी बड़ी पुत्री ने देख लिया तथा अगले दिन जब वो घर वापस आया तो उसको भी अवगत कराया। इस संपूर्ण घटनाक्रम से क्षुब्ध होकर उसकी नाबालिग पुत्री ने स्वयं को आग लगा ली तथा अस्पताल ले जाते समय सायंकाल 5 बजे उसकी मृत्यु हो गई। सबको घर पर रखकर मध्य रात्रि में ये सूचना दी गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय अधिकारियों द्वारा तथा अन्य उच्चाधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। नामित दो अभियुक्तगणों में से एक अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ जारी है। शीघ्र ही संपूर्ण घटना का खुलासा किया जाएगा तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।